नमस्कार दोस्तों, ऑटोमोबाइल गीक्स पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, जो 2020 में अपना नया मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा, जिसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। कितने प्राइस की होगी, कितनी माइलेज होगी, कितना इंजन पावर होगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि मारुति सुजुकी की ओर से जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ब्रेजा अपनी जगह कई सालों से बनाई रखी हुई है, लेकिन अपनी सेगमेंट में दूसरी गाड़ियां, जैसे कि आप महिंद्रा की XUV300 देख लीजिए या फिर हुंडई की नई फ्रेश डिज़ाइन के साथ आई हुई हुंडई की वेन्यू, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो होते हैं वो हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV300 को पसंद करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मारुति विटारा ब्रेजा जो 2020 में आएगी, इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट शेड्यूल की गई है फेब्रुवरी 2020 में। इस कार को ऑटो एक्सपो 2020 होगा, इसमें शायद शोकेस किया जाएगा और उसके ठीक एक महीने के बाद इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 7 लाख रुपीज से स्टार्ट होगी और 12 लाख रुपीज में आपको ये कार मिल जाएगी। मारुति ब्रेजा, अगर उसकी एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर की बात करें तो थोड़े बहुत चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको इस कार में दिखने को नहीं मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों बात करते हैं उसकी इंजन पावर की। तो इस कार में पहले आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलता था, लेकिन इस बार मारुति सुजुकी ने अपने पेट्रोल इंजन भी इस कार में देने वाला है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, BS6 कंप्लायमेंट के साथ आपको मिलेगा K15B 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो लास्ट टाइम आपको सियाज में अपडेट किया था, जिसमें आपको 105 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 138 nm का टॉर्क दी जाता है। उसके साथ ही इस कार में हाइब्रिड सिस्टम भी आएगी, ताकि आप इलेक्ट्रिक कार से भी मोड में चला सकते हैं। उसके साथ आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जिसमें आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एयर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा। सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मारुति सुजुकी ने इस पूरी हिस्ट्री में पहली बार किया है, जिसमें आपको 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा, जो आपको 1.5 लीटर सियाज में टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ मिलता है, और इस कार में आपको CNG का ऑप्शन भी दिया जाएगा। बात करते हैं उसकी एक्सटीरियर डिज़ाइन की। तो एक्सटीरियर जो 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा आएगी, पूरी नई ग्रिल देखने को मिल जाती है, इंटीग्रेटेड ORVMs सिग्नल लाइट के साथ और ग्लिम्स ऑफ एलोवेल्स। आप एलोवेल्स देख सकते हैं 16 इंच के, जो आपको काफ़ी अच्छे डायमंड गेट के साथ आपको मिल जाएंगे। रियर सेक्शन की बात करें तो काफ़ी अपीलिंग लुक लगने वाली है, लार्जली सिमिलर टू एग्जिस्टिंग मॉडल, जो कि न्यू फ्रंट बम्पर मिल जाएगा, इंडिकेट करता है कि आने वाली ब्रेजा आपको न्यू स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ, हेडलैम्प्स रिमेन सेम रहेगा, बाकी सब आपको पीछे से देख सकते हैं कि पूरी प्रीवियस डिज़ाइन से आपको सेम मिलने वाली है। वहीं इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो उसमें आपको डैशबोर्ड की डिज़ाइन सेम रहेगी, मतलब थोड़ी मटेरियल क्वालिटी जरूर बदलाव करेगा मारुति सुजुकी, लेकिन इसमें आपको क्वालिटी इम्प्रूव दिखने को मिल जाती है, लेकिन आपको सनरूफ का ऑप्शन जरूर इस कार में दिखने को मिल जाएगा, जैसे अपनी सेगमेंट की हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV300 में भी मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा मिलेगा, कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा और 7 इंच की टच स्क्रीन, जो आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई थी उसकी एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की, लेकिन हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। तो इस कार में आपको ABS प्लस EBD, पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट, हाई स्पीड वार्निंग और टॉप एंड वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी आपको इस कार में अवेलेबल होगा। ये मैंने स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स बताए, मतलब अगर आप इसका बेस वेरियंट खरीदते हो या फिर टॉप एंड वेरियंट, ये सभी फीचर्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।